देखो भाई, वो कहावत तो सुनी होगी ना कि अच्छे लोग वो होते हैं, गुड पीपल आर दोज हु लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, जो अपनी मिस्टेक से भाई समझे, उसके बाद आते हैं महंतम पुरुषोत्तम ज्ञानी, जो दूसरों की गलतियों से समझते हैं। लेकिन भाई उसके बाद आते हैं हमारे वो बॉलीवुड एक्टर, जो कि ना अपनी गलतियों से समझते हैं ना सामने वाले की गलतियों से समझते हैं, क्योंकि भाई वो ना तो ज्ञानी है और ना ही महंतम पुरुष है, तो वो कौन है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। भाई सेम काम अब करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे प्रभास। देखो, प्रभास ने तो काम किया ही है, प्रोजेक्ट के का जो हो रहा है ड्रामा वो तो आपको कहीं ना कहीं पता ही लग गया होगा, आदि पुरुष से कितना रिटर्न कर रहे हैं। एंड उसके बाद हमारे खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार भाई, ये भी पीछे कहाँ हटने वाले हैं। इनकी दिन में जो दिहाड़ी चल रही थी ना, वो दिहाड़ी आज भी चाली हुई है, मतलब कि बहुत ही जल्द 11 अगस्त को उनकी ओ माई गॉड 2 आने वाली है। लेकिन भाई ओ माई गॉड 2 आने के बाद इनकी एक और मूवी देखने को मिलने वाली है काफी जल्द ही, जो कि है खेल खेल में। हालांकि अभी इसकी शूटिंग तो स्टार्ट नहीं की गई है, लेकिन भाई ये मूवी मैं आपको बता दूं, एक इटालियन मूवी होने वाली है, मतलब इटालियन मूवी की कॉपी होने वाली है। मतलब कि फिर से भाई अक्षय कुमार ने अपनी दिहाड़ी चालू कर दी है, साल में 4 मूवी आएंगी, भले चारों फ्लॉप जाएं या चारों हिट चले जाएं, वो अक्षय पाजी के ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो भाई सामने वाली ऑडियंस का टेस्ट बदल गया उसमें, अक्षय पाजी क्या करें, समय के साथ मुझे तो बदलना नहीं आता है, समय के साथ ऑडियंस बदल जाए तो बदल जाए। देखो भाई ओ माई गॉड में काफ़ी अच्छा काम किया है, ट्रेलर प्रोमो देखने के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, लेकिन ये रिस्पॉन्स बहुत ही जल्द नेगेटिव रिव्यू में भी बदल सकता है, क्योंकि भाई जो बहुत ही जल्द खेल खेल में प्रो मतलब मूवी आने वाली है उसके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है, इटालियन मूवी की ये कॉपी होने वाली है। एंड एक्चुअली में इस इटालियन मूवी को 30 से भी ज़्यादा कंट्री में रीमेक किया जा चुका है। भाई साहब, मतलब रीमेक का भी रीमेक का भी रीमेक का भी रीमेक का भी क्या करने वाले हो, इतना भयंकर वरकम रीमेक ऐसा क्या है कि ऐसा, मतलब मेरे को एक बात नहीं समझ में आती है, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर इन सबको रीमेक में ही क्यों जाना है, हमारी लोकप्रियाएं कथाएं, हमारे पास कहानियों की कमी है, हमारी नानी अम्माओं के पास आ जाओ तो मेरे पास कहानियों का भंडार देखने को मिल जाएगा, बट भाई ये लोग इधर उधर भागते हैं। डेट इज़ अ रीज़न कि आज इंडियन सिनेमा की, एक्चुअली में खासतौर से बॉलीवुड की, इतनी बुरी हालत हो रखी है। एक तरफ हमारे प्रभास हैं जो कि सेम मिस्टेक दोहरा रहे हैं, तो एक तरफ हमारे खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार भी इस रेस में पीछे नहीं खुद को समझ रहे हैं। आप किसके बारे में क्या ख्याल हैं कमेंट बॉक्स में लिखें।